भाई साहब, सुबह हो गई क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं जल्दी उठ गया? पता नहीं यार, ऐसा क्यों लग रहा है। अबे यार सच्ची में जल्दी उठ गया शायद मैं। चलो फोन निकाल के देखता हूँ टाइम क्या हो रहा। अबे 6:12 हुई है अभी। हाँ मुझे पता है, मैं इतनी जल्दी भी नहीं उठा। मैं डेली की डेली 9 से 10 बजे उठता हूँ, पर पता नहीं आज मैं कैसे जल्दी उठ गया। पर वेट भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पूरा का पूरा सामान फैला पड़ा है भाई, कुर्सी कुर्सी सब इधर उधर पड़ी है भाई। ये पक्का सिंचन और चोप का काम है यार। इन दोनों के अलावा कोई घर में कर ही नहीं सकता, कर क्या नहीं सकता यार। हम तीनों के अलावा है ही कौन इस घर में। चलो यार एक बार पूछता हूँ इन दोनों से जाके। भाई सारी की सारी कुर्सियां गिरा रखी हैं, देखो भाई इधर भी सब फैला दिया। भाई यार गुस्सा आ रहा है इन दोनों पे मुझे। अब ये सारा का सारा मुझे ठीक करना पड़ेगा। वैसे ये दोनों है कहाँ पे, सिंचन और चोप? पहले इन दोनों को देखता हूँ। देखो भाई ये खड़े चुपचाप यहाँ पे। सिंचन, ये सामान किसने फैलाया यहाँ पे? सारा का सारा फैला के गिर रखा है। अरे फ्रैंकलिन भैया, चोप ने गिराया। अरे यार फ्रैंकलिन, सच्ची में देख मेरी बात का यकीन कर यार, इसने गिराया सिंचन ने। अबे यार ये उसे बोल रहा है, ये उसे बोल रहा है, मैं किसकी बात का यकीन करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। देख सिंचन आराम से बता दे, देख चुपचाप बता दे मेरे को किसने गिराया ये सामान। अबे आप तू हंस क्यों रहा है? सामान किसने गिराया वो बताना। अरे फ्रैंकी भैया, यहाँ पर ना भूकंप आ गया था। अबे हाँ सच्ची बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऐसे ही हुआ था बिल्कुल ऐसे। क्या भूकंप आया था? अबे हाँ फ्रैंकी सच्ची में आया था। अच्छा यार ये ज्यादा तेज नहीं चल रहे, झूठ बोल रहे दोनों के दोनों। अच्छा चौप यहाँ पर भूकंप आया था? हाँ जब इतनी तेज भूकंप आया और मुझे कैसे पता नहीं चला फिर? अरे फ्रैंकलिन भैया आप तो सो रहे थे ना। तो यार ये दोनों कितने तेज चल रहे हैं भाई यार, ना मारने का मन कर रहा मेरा। ऊपर से झूठ बोले जा रहे हैं बार बार। वैसे तो मैंने कुछ नहीं बोलने वाला, पर यार एक बार बताए तो सही यार, झूठ ना बोले बस। देखो सिंचन और चोप आराम से बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा। ये सामान किसने गिराया इधर, उल्टा सीधा किसने करा, सच्ची सच्ची बताओ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो हम दोनों ने गिराया था यार, सॉरी भैया। अब सॉरी यार फ्रैंकलिन, हम तो बस खेल रहे थे, ये पता नहीं अपना आप ही गिर से चले गए। अब चुप, अपना आप नहीं गिर रहे थे, तुम उन्हें गिरा रहे थे, ठीक है ना। चलो यार कोई बात नहीं, गिर गए खेल खेल में भाई। सच्ची में गुस्सा तो इन पे आ रहा है, पर छोड़ो यार अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलो यार यहाँ पर मैं जल्दी से साफ कर देता हूँ सब कुछ, और जो सामान इधर उधर पड़ा है उसे उसकी जगह रख देता हूँ जहाँ पर वो पहले रखा था। जब तक मैं यहाँ पर साफ सफाई करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हो सके तो अपने किसी दो दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर देना यार। फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने सब भाई सही कर दिया है। यहाँ पर जो भी सामान फैला पड़ा था मैंने सब उसकी जगह लगा दिया है जहाँ पर वो पहले रखा था। देखो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगा दिया मैंने। पर भाई यहाँ पर 10:21 हो चुके हैं भाई, 6 बजे उठने का कुछ फायदा नहीं हुआ भाई, वही टाइम हो गया मैं जिस टाइम उठता हूँ। चलो यार मैं फटाफट से अपने कपड़े बदल लेता हूँ यार यहाँ पर, तो देखता हूँ यार मेरे पास क्या क्या कपड़े। वैसे मैं कपड़े खरीदने की भी सोच रहा था, देखते अगर जो यहाँ पर मेरे पास सही से कपड़े नहीं हुए तो भाई खरीदने चलेंगे पहले। यहाँ पर यार मेरे को ठीक से नहीं लग रहा यार, खरीदने चलते हैं, छोड़ो भाई। तो चलो गाइस यार चलते हैं भाई कपड़े खरीदने के लिए। भाई सिंचन और चोप से बता देता हूँ, ये भाई यहाँ पर ये हगता ही रहता है, तो भाई ध्यान रखना घर का, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ जा रहे हो यार? कुछ नहीं यार सिंचन, यही कुछ काम से जा रहा था। अबे फ्रैंकलिन थोड़ा जल्दी आ जाइयो ना। ठीक है चोप जल्दी आऊंगा मैं। तो चलो भाई चलते हैं अब कपड़े खरीदने के लिए। मेरे को शर्ट और पैंट खरीद के लानी है, और शूज भी देख लेंगे आ जाएंगे तो। अरे सिमियन का कॉल आ गया भाई, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अरे फ्रैंकलिन मैं बोल रहा था भाई, तेरे लिए मैंने एक मस्त बाइक मंगाई है। अच्छा बाइक मंगाई है भाई, अभी जब मैं जा रहा था कहीं पे। ठीक है तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम्हारे शोरूम पर ही। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आ जाना फिर। चलो ठीक है आ जाऊंगा मैं। भाई सिमियन ने मेरे लिए बाइक मंगाई है भाई, बढ़िया बंदा भाई सिमियन तो। तो चलो मैं जल्दी से जाता हूँ भाई कपड़े खरीदने के लिए, और फिर सिमियन की शॉप पर जाना है भाई। तो भाई मैंने कपड़े तो यहाँ पर खरीद लिए भाई, ये वाले नहीं है तो मैंने ऐसे ही डाल लिया भाई, इसमें कच्चा और चमक रहा पैंट में। जो मैंने अभी अपने लिए कपड़े खरीदे ना, उन्हें घर चल के पहनेंगे, फिर वहां से सिंचन को लेके चलेंगे सिमियन के पास में। तो चलो फटाफट से चलते हैं अपने घर पहले, तो फिर भाई यहाँ से कपड़े भी पहनने भाई टाइम लगेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पर भाई, यहाँ पर जल्दी से गाड़ी खड़ी करके अंदर चलते हैं भाई। खुशी हो रही है मुझे, सिमियन ने भाई पहली बार मेरे लिए बाइक मंगाई है। पता नहीं वो बाइक कैसी होगी यार, पता नहीं कहाँ से अच्छी हो। फिलहाल तो अभी भाई कपड़े पहनता हूँ मैं यहाँ पर फटाफट से। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर मैंने कपड़े पहन लिए भाई, फुल ब्लैक हो गया मैं यहाँ पे भाई, शूज से लेके शर्ट तक सब कुछ ब्लैक है, यहाँ तक कि फ्रैंकलिन भी ब्लैक है भाई। तो चलो भाई अब सिंचन को लेके चलते हैं भाई सिमियन के पास में। सिंचन भाई चल भाई मेरे साथ चलना तेरे को। और चोक तू घर का अच्छे से ध्यान रखियो। अबे ठीक है फ्रैंकलिन, अच्छे से ध्यान रखूंगा बिल्कुल अच्छे से। अरे फ्रैंकलिन भैया हमको जाना कहाँ पर है? सिंचन हमें जाना सिमियन के पास में। अरे फ्रैंकलिन भैया सिमियन अंकल के पास क्यों जाना है हमें? मैं पहले सारी बात बताओ फिर ये साथ में चलेगा गाड़ी में, जल्दी से पहले आ जा भाई यार, इतना टाइम लगा था ना भाई, क्या करके आ रहा था तू? अरे कुछ नहीं फ्रैंकलिन भैया, बस ऐसे ही लेट आता हूँ मैं जान पूछ कर। जान पूछ कर कौन लेट आता है बे?
अरे फ्रैंकलिन भैया आपने मुझे बताया नहीं कि हम सिमियोन अंकल के पास गुजा रहे हैं। अरे यार सिंचन, सिमियोन ने हमारे लिए एक बाइक मंगाई है, बोल रहा था कि भाई मस्त बाइक है वो, एक बार आ जाओ देख लो। अरे फ्रैंकलिन भैया फिर तो मजा आएगा, सिमियोन अंकल कितने अच्छे हैं। हाँ यार पता नहीं कैसे मंगा ली उसने हमारे लिए आज बाइक। तो गाइस जहाँ पर हम सिमियोन के पास में पहुँचने वाले हैं बस यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है और भाई वहीं पर होगा भाई, हो सकता है भारी खड़ा हो सिमियोन हमारे लिए, वो खड़ा भाई देखो कोने में। तो भाई गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर देते हैं। वैसे यार बाइक तो नहीं दिख रही यहाँ पे कहीं पर। सिंचन यार इसने हमारा पागल तो नहीं बना दिया? अरे यार फ्रेंकी भैया ऐसे नहीं हो सकता, तुम उनसे जाके बात तो करो। तो चलो भाई इससे बात करते हैं जाके भाई, सिमियोन क्या हाल है भाई? अरे भाई बढ़िया फ्रैंकलिन, तू बता तेरे क्या हाल चाल? मैं भी ठीक हूँ भाई। अरे फ्रैंकलिन मैंने तुम्हें कॉल पर बताया था ना कि मैंने तुम्हारे लिए बाइक मंगाई है, वो बस आने वाली है, 5 मिनट और वेट कर लो। ठीक है भाई 5 मिनट वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस बाइक आ चुकी है भाई, ठीक है सिमियोन बाद में मिलते हैं भाई। ये वाली बाइक है, अरे नॉर्मल सी बाइक लग रही है मेरे को तो, नॉर्मल बाइक है भाई, इसमें क्या है भाई? सिंचैन तो अभी उतरा ही नहीं गाड़ी से भाई, इधर आ जा सिंचैन। तो भाई सिंचैन भी आ चुका है, पता नहीं यार इस बाइक में क्या खास होगा, क्या पता इस बाइक की स्पीड भाई बहुत ज्यादा हो, पता नहीं यार वो तो चला के पता चलेगा। फिर मैं अपना घर मार्क कर लेता हूँ यहाँ से। चलो भाई चलते हैं। ओ भाई साहब ये क्या बाइक दे दी इसने हमें, इसमें से तो भाई फ्लेम्स निकल रहे हैं, देख रहे हो कितने मस्त लग रहे हैं पीछे ये। अरे सिमियन भाई मस्त, भाई मस्त बाइक एकदम, ये वाली थैंक यू भाई देने के लिए। अरे यार फ्रैंकलिन कर दी ना छोटी बात, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात। अरे सिमियन अंकल तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। तो भाई फटाफट से अपने घर चलते, और भाई मैं तो भाई थोड़ी देर इसको चलाने वाला हूँ जब तक रात नहीं हो जाती, क्योंकि भाई मेरे को देखना है यार ये रात में कैसी लगेगी। यार फ्रैंकलिन भैया रात में तो और मजा आएगा इसमें। तो गाइस रात हो चुकी है भाई, देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है हमारी बाइक, भाई सब एकदम अलग ही लग रही है। तो चलो यार अब फटाफट से अपने घर चलते हैं यार चले के। तो गाइस हम अपने घर पहुंच चुके हैं भाई, यहाँ पर लगा देते हैं अपनी बाइक को, भाई मस्त लग रही है एकदम भाई साहब, सबसे अलग ही वाली बाइक, पता नहीं भाई किस किस के पास होगी। वैसे तो मेरे को लग रहा है बस हमारे लिए मंगाई है सिमियन ने, और किसी के पास होगी नहीं है। तो मैंने बाइक तो अंदर खड़ी कर दी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जोर से लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर देना। हमें मिलते हैं उसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय।